What's up, Pardesi Squad? Hope you guys are all well. As some of you may know, yes, I am back in Pakistan. And today we're going to start the day with... Desi Nashta! Hi, hoi! अगर आप भी चाहते हैं अपने घर में प्रोफेशनल मक्खी मार तो आज ही कॉल कीजिए. पिंग पोंग चैलेंज, पुत्र वर्सेस अब्बा. अब्बा अब्बा ही होता है. अभी मेरे साथ एक बहुत ही अजीब सा सीन हुआ है. रात को मैं काफ़ी थका हुआ था तो मैं जल्दी सो गया, तकरीबन 9 बजे, और मैं उठा हूँ तकरीबन 2 बजे, और मुझे लगा दोपहर हो चुकी है. लेकिन जब मैं तैयार शैर होकर नीचे जाने लगा, आई रियलाइज्ड सुबह के 2 बजे. अब मसला यह है कि मुझे अब दोबारा नींद नहीं आ रही. अब बंदा आधी रात को क्या करे. मामा से पूछे बगैर मैं लेके आया हूँ गाड़ी. कैसे लसंस है तेरा? आंटी देख ले लाइटिंग. कहाँ से सीखी तूने गाड़ी? यार बस ऐसे बैठे बैठे नीड फॉर स्पीड जीटी से सीखी है मेरे को. रेड अनार, व्हाइट अनार, हल्का आलू, आलू बुखारा, लीची. कैसा है जूस? फिट एज हेल. फिट एस? फिट एस. डक्की को एस बहुत पसंद है. इट्स बिकॉज़ माय एस इज बिगर देन एवरीवन. I'm sure कि वो सब ने देख. निक्की मिनाज, I'm coming for you. हमारे पास एनाकोंडा है. Nice. 20-25 ये करके. हाँ. करता हूँ कितना मैं order शुरू करने का प्रयोग. What's going on? सुबह के 5 बजे डक्की भाई क्या करने लगे? Oh shit. हाय 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 हाय. ए नवे गाने तो एवे डिस्कुम डिस्कुम डिस्कुम. बस थोड़े दिन ही चलते ने. नवा मुंडा आया राहिम परदेसी. हां वो गाने गांदा है. एवे डिस्कुम डिस्कुम लाई है उन्हें. हेलो मासे, व्हाट्स अप मासे? मासी नंबर 2 जो बिल्कुल काम नहीं करती. आज कशफ ने अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं. कितने मार्क्स आए? 93%. तो उसकी खुशी में रोटी तो बनती है मेरी तरफ से. आर यू रेडी फॉर द रोटी खाइंग? आई एम रेडी. बत्ती चलेगी, लोड शेडिंग होगी गड्डी से. अगर तुमने अच्छे नंबर लिए तो फिर देख लो. अच्छा अगर आप व्लॉग करें तो आप कैसे करेंगे? इंट्रो किस तरह करेंगे व्लॉग के? हाय दिस इज चाचा छामा. व्हेन योर सिस्टर वांट्स मैकडॉनल्ड्स इन द मिडल ऑफ द नाइट. हेलो, अंडे वाला बर्गर है? जी सर. हाय ओए. और क्या सर? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मोहब्बत. अरे गाइस, जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ, यकीन करें मुझे
बहुत सारा प्यार मिलता है और दिल को इतनी खुशी मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। इस दफ़ा आपका भाई इंशाल्लाह बहुत सारा म्यूजिक लेके आ रहा है, बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहा है, बल्कि इस वक्त ड्रामे की शूटिंग भी हो रही है जिसकी वजह से मैंने ये दाढ़ी रखी हुई है। बस आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भाई को दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह मैं आपको लेट डाउन नहीं करूँगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। नहीं लगता। हाँ।